वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में कहाँ पे मूवमेंट हुआ था और कल के दिन हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ है गाइस। आज एक एक्सपायरी जो था, जो मैंने कल के थंबनेल में भी लगाया हुआ था कि ट्रेंडिंग एक्सपायरी स्पेशल गाइस, और वैसे ही आज एक स्पेशल एक्सपायरी हम लोग का यहाँ पे क्लोजिंग किया है गाइस। आप देखेंगे तो यहाँ पे मॉर्निंग के समय ही जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पे एक गैप अप यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, और मार्केट खुलते ही एक बहुत बड़ा यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉल किया हुआ। देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये कम से कम 200 का रेंज आप देखेंगे यहाँ पे मिलेगा गाइस। एक बहुत बड़ा फॉल किया, यहाँ से हमें एक कन्फर्मेशन मिल गया था, जैसे मैंने बताया हुआ था कि मार्केट प्रीवियस डे पे एक कंसोलिडेट में था यहाँ पे, यानी साइडवेज मार्केट था, और इसके नीचे या इसके ऊपर हम लोग प्लान करेंगे। मार्केट कहीं ना कहीं 5 मिनट कैंडल नीचे की तरफ क्लोज किया, हम लोग वेट कर रहे थे एक अच्छा खासा यहाँ पे पुल बैक के लिए, और जैसे यहाँ पे इस रेंज के पास में आया और एक रेड कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया गया, उसी रेड कैंडल पे हम लोग का पोजीशन बनाया और ठीक उसके ऊपर का हम लोग ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है। और उसके बाद आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पे मूव यहाँ पे देखने को मिला गाइस। आप देखेंगे हमारा जो टारगेट था वो था 43,700 का राउंड लेवल था, और वहाँ तक टारगेट हम लोग को यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पे मिल गया गाइस। उसके बाद आप देखेंगे तो ये कंटिन्यू मोमेंटम किया है, और इसने कहीं जो लास्ट का आप देखेंगे तो इसने जो लगाया हुआ है लो गाइस, वो यहाँ पे लगा हुआ है 43,400 का एक राउंड लेवल गाइस यहाँ पे। तो इस तरह से एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग एक्सपायरी हम लोग का यहाँ पे निकला है, और ये एक्सेप्टेड था यहाँ पे ये, क्योंकि गाइस यहाँ पे प्रीवियस डे पे यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी यहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ था, और इसी कारण यहाँ पे एक्सपायरी आज हमारा बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ करके निकला है गाइस। बात कर लेते हैं इसमें कल के दिन हम लोग क्या प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राउन का रिमूव कर लेते हैं और 50 मिनट कैंडल के चार्ट में आ जाते हैं गाइस। तो अब देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे दिखा चुका है, और जो ये लेवल था गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास यहाँ पे इसने क्लोजिंग किया, ये देखिए गाइस। तो इस तरह से मार्केट काम करता है गाइस। आप हमेशा देखिए कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए गाइस। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर प्रॉपर नहीं पता है तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो सकता है ट्रेड करने के लिए गाइस। तो इसीलिए मार्केट में सबसे पहले अगर आपको जज करना है तो वो है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये पता करना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, उसी के बिहाफ में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन तैयार हो चुका है, और डेली कैंडल में एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो डेली कैंडल में देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया गाइस। आप देखेंगे तो काफ़ी समय से मार्केट इस रेंज में यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, यहाँ पे काफ़ी समय से 1-2 वीक से यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था, इसलिए यहाँ पे कंसोलिडेशन था, और जैसे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया है एक अच्छा खासा मूव हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है गाइस। बात कर लेते हैं इसमें कल के लेवल्स के लिए, हम लोग के लिए कल का लेवल्स कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डेली कैंडल में देखेंगे तो एक अच्छा खासा हम लोग को ब्रेकडाउन मिल चुका है, और अभी कल के दिन मार्केट हो सकता है कि एक साइडवेज के रूप में चला जाए, क्योंकि आज के दिन एक ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे हम लोग को मिला है, तो कल के दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज की तरफ जा सकता है गाइज। तो हम लोग इसको सबसे पहले यहाँ पे 50 मिनट कैंडल में देख लेते हैं। ओके, अब 50 मिनट कैंडल में देखेंगे तो अब हम लोग के लिए जो सपोर्ट था अब वो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, ये लेवल जो 43,400 का राउंड लेवल है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करेगा। और अब इसके नीचे जाता है तो कंटिन्यू यहाँ पे सीलिंग आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट साइडवेज कल रहेगा, तो कल थोड़ा सा कम क्वांटिटी में और थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाइंग के लिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो बाइंग के लिए तो अब तो यही लेवल है गाइस, क्योंकि जहाँ से मार्केट ने सेल अप दिखाया है, अब अगर इसके ऊपर निकलेगा तो एक बहुत बड़ा बाइंग देखने को मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे छोटे रेंज की बात करूँ तो बाइंग इस रेंज के ऊपर मिल सकता है 43,726 के ऊपर, क्योंकि मार्केट यहीं पर आके एक पुल बैक लेके फिर कंटिन्यू किया है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा। अगर इसे ब्रेक करेगा मार्केट तो थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो ये 3 लेवल रहेगा कल के दिन ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी में, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि कल मार्केट यहाँ कहीं पे एक साइडवेज यहाँ पे हम लोग को डोजी कैंडल बना के भी यहाँ पे दिखा सकता है गाइस। तो कल थोड़ा सा संभल के ट्रेड करेंगे। बात कर लेते हैं अब इसमें हम लोग
निफ्टी में, तो निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो मॉर्निंग में पहले ब्रेकआउट दिया है और देन उसके बाद एक ब्रेकआउट फेक किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हुआ और उसके बाद एक कंटिन्यूस अच्छा खासा आप देखेंगे तो सेलिंग यहाँ पे हुआ है। तो बात कर लेते हैं इसमें कल के दिन हम लोग का लेवल कौन सा रहेगा। तो कल के दिन इसमें अगर मैं सबसे पहले डेली कैंडल में इसमें देख लेते हैं हम लोग, तो डेली कैंडल में देखेंगे तो एक हाई रेंज के आसपास से हम लोग को एक निगेटिव कैंडल यहाँ पे मिला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये इसका अगर आप देखेंगे तो ये एक हाई लेवल यहाँ पे इसने बनाया हुआ है इस रेंज के आसपास, तो यहाँ से एक सेल अप आया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक साइडवेज का मार्केट एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर अगर इसे नीचे ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पे कंटिन्यू हम लोग को सेलिंग भी देखने को मिल सकता है गाइस। तो बात कर लेते हैं इसमें लेवल्स की, तो सबसे पहले हम लोग 50 मिनट कैंडल में आ जाते हैं और इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो बाइंग के लिए हमारे पास ये लेवल रहेगा जहाँ से पुल बैक किया था मार्केट आज, और सेलिंग के लिए हम लोग यही लेवल को देखेंगे जहाँ से 18671 के नीचे अगर ट्रेड करता है या निकलता है कल के दिन तो फिर से यहाँ कंटिन्यू सेलिंग आ सकता है। तो इसमें थोड़ा सेलिंग आ सकता है गाइस निफ्टी में, बैंक निफ्टी के कंपेयर में। तो अगर कल आपको ट्रेड करना रहेगा तो निफ्टी में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि निफ्टी के पास स्पेस है और एक गैप फिलिंग भी है यहाँ पे। अगर आप मैं यहाँ पे गैप फिलिंग को दिखा दूँ यहाँ पे, तो एक इसके पास एक गैप फिलिंग भी है जहाँ ये गैप फिल करने के लिए भी यहाँ पे आ सकता है गाइस। ये थोड़ा सा है, बहुत बड़ा रेंज नहीं है, लेकिन गैप फिलिंग के लिए अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और क्रॉस करता है तो गैप फिलिंग के लिए मार्केट एक आ सकता है, यहाँ पे एक ट्रेड पोजीशन बनाया जा सकता है गाइस। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की, फिन निफ्टी में भी आज अच्छा खासा यहाँ पे फॉल हुआ है आप देखेंगे तो। ये भी प्रीवियस डे में एक रेंज में था, देन ब्रेक किया, सेम जैसे बैंक निफ्टी में मोमेंटम किया वैसे किया आप देखेंगे तो। हमारे लेवल से जैसे मैंने कहा था कि इसके नीचे क्रॉस करेगा तो हम लोग ट्रेड पोजिशन बनाएंगे और वहाँ से कंटिन्यू यहाँ पर ट्रेड किया, जो इसका यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो मैंने बताया था ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, देन उसके बाद ब्रेक किया और ये अभी यहाँ पर क्लोज किया है। तो इसमें जो हमारा लेवल्स रहेगा इम्पोर्टेंट लेवल वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सेलिंग के लिए हम लोग इसी के नीचे ही प्लान करेंगे, जो 19213 के नीचे निकलता है तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और बाइंग के लिए हम लोग इसके ऊपर ही प्लान करेंगे, ये जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया आप देखेंगे तो, जो इस लेवल पर था यहाँ से बाइंग का निकला था आप देखेंगे। ये देखिए यहाँ से बाइंग ले गया था मार्केट, यही सपोर्ट लेवल था और अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, इसे अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा बाइंग के साइड में जा सकता है, नीचे क्लोज करेगा तो नीचे की तरफ हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं गाइस। तो ये रहेगा गाइस आज के दिन के लिए, तो अभी के लिए गाइस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।